What is up guys, this is Azeem Wali and I'm back with another video. And agar aapne mera previous video abhi tak check out nahi kiya hai, use jaake check out kar lijiyega, main uski link description mein dal dunga. So before getting to the video, main sirf itna bolna chahta hu ki agar aapne mere channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai, use subscribe kijiye and also press on the notification bell for further updates. So guys, aaj ki video mein first exercise and आज मैं बात करने वाला हूँ ऑन हाउ टू गेट 3D शोल्डर्स. सो गाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपके शोल्डर्स के तीनों हेड को हिट करती है इज सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस. एंड द रीजन व्हाई आई एम एडिंग सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस टू दिस एक्सरसाइज इज बिकॉज सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस से गाइज हमारे तीनों मसल्स आइसोलेट हो रहे हैं, हमारे तीनों हेड्स आइसोलेट हो रहे हैं एंड ये कंपाउंड मूवमेंट है. एंड द रीजन व्हाई आई एम एडिंग डंबल इंस्टेड ऑफ बारबेल इज बिकॉज आप तीनों को आइसोलेट कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, बारबेल में आप उतने अच्छे से आइसोलेट नहीं कर पाते. बट जब आपके सिंगल हैंड में डंबल्स होते हैं आप ज्यादा आइसोलेशन दे सकते हैं उस मसल को, आप ज्यादा वर्क कर सकते हैं उस मसल को. एंड गाइज, कभी भी आप बारबेल में वेट ज्यादा लोड कर सकते हैं बट इवन आप डंबल में अच्छे हैवी वेट्स उठा सकते हैं. सो गाइज, नाउ आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको अपना शोल्डर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको अपने एल्बो स्ट्रेट रखने हैं एंड आपको ओवरहेड ले जाना है. आपको यहाँ से लेते हुए कंटिन्यू करते हुए पूरे डंबल्स को ओवरहेड ले जाना है ताकि आप फुल्ली अपने शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. नाउ गाइज, सेकेंड एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द बेस्ट शोल्डर के लैटरल रेजेस के लिए, लैटरल डेल्ट के लिए बेस्ट आइसोलेशन एक्सरसाइज इज केबल लैटरल रेजेस. एंड द रीजन वाई एम एडिंग केबल लैटरल रेजेस एंड वाई आई प्रिफर केबल इज बिकॉज कैसा होता है ना गाइस, केबल ज्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज केबल हमको ग्रेविटी के थ्रू पुल कर रहा है. तो जब हम आप एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में भी रहते हैं तब भी हमें केबल नीचे खींचने को देखता है जिसके वजह से हमारे शोल्डर ज्यादा मैकेनिकल टेंशन में रहते हैं. एंड जितना ज्यादा हमारे मसल में मैकेनिकल टेंशन होगा उतना ज्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा. एंड जितना ज्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा उतने जल्दी आपके शोल्डर ग्रो हो गए एंड आपको एक अपने शोल्डर में 3D लुक मिलेगा. क्या होता है ना कि डंबल में हम अपना थ्रस्ट यूज करना चालू कर देते हैं जिसके वजह से हम शोल्डर को तो उतना आइसोलेट करते नहीं है एंड हम हमारे ट्रैप ज्यादा मूवमेंट में ऐड कर बैठते हैं जिसके वजह से हमारे ट्रैप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड हमारे लैटरल डेल्ट उतना अच्छे से हिट नहीं हो पाते. नाउ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज आप इसमें ज्यादा हैवी वेट्स ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये आप एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर आप उतने हैवी वेट्स ऐड नहीं कर पाएंगे. सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपको अपनी चेस्ट आउट रखनी है एंड आपको अपने शोल्डर पूरे एक आपको एल्बो अपने शोल्डर से ऊपर रखना है जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं. अब जब एल्बो ऐसे बेंड रखेंगे सो आपके लैटरल डेल्ट ज्यादा अच्छे से हिट हो गए एंड ये वन ऑफ द बेस्ट आइसोलेशन के लिए मूवमेंट्स हो जाते हैं. सो गाइज, ये एक्सरसाइज यही रीजन से मैं ऐड कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ डंबल्स. And now guys, third exercise and last exercise is cable rear delt flies. And the reason मैं cable rear delt flies add कर रहा हूँ is because हमें हमारे rear delt को hit करना बहुत जरूरी है because rear delt एक बहुत important role play करता है आपको fuller shoulder देने में, आपको एक 3D shoulder देने में. लोगों को क्या लगता है कि हमें rear delt को hit करना उतना जरूरी नहीं है because वो शो नहीं होते, but rear delt training is as important because रेड एल्ट ही हमें एक फुलर लुक देते हैं, हमारे शोल्डर्स बड़े दिखने में हेल्प करते हैं. सो आपको रेड एल्ट को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है. एंड आपको इसमें क्या करना है कि जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको अपने रेड एल्ट को हमेशा वैसे जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया हूँ, केबल इज वे मोर बेनिफिशियल. एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग डंबल में अपने लैटरल यानी लैटरल डेल्ट के लिए हिट तो कर लेते हैं, हम अपने रेड एल्ट के लिए हिट तो कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने रेड एल्ट को तो उतना आइसोलेट नहीं करते हैं बिकॉज वो उसे गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं एंड अपने लैटरल एल्ट को ज्यादा हिट कर बैठते हैं. तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपको फोकस करना है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन पे. जब आप पीछे अपने हाथ ले जा रहे हैं तो आपको अपने रेड एल्ट को एक्टिवेट करना है, अपने माइंड में आपको एक्टिवेट करना है ताकि आप अपने एक एक मसल को फील कर सके. उससे क्या होगा एंड आपको एक चीज और एक जो दिमाग में रखनी है इस आपको इसमें अपने ट्राइसेप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करने हैं बिकॉज अगर आपने ट्राइसेप इस मूवमेंट में इन्वॉल्व कर दिए सो आपके रेड एल्ट उतना अच्छे से आइसोलेट नहीं हो पाएंगे एंड ये मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं रेड एल्ट की आइसोलेशन के लिए. सो इसी के साथ गाइज मैं ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो
Until next time, see you guys. Keep hustling.